विश्वास कीजिए दोस्तों, ईश्वर का निर्णय हमारे सपनों से बेहतर होता है। जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, अतीत को याद ना किए बिना फ्यूचर की प्लानिंग करिए और निरंतर वोगली स्टूडियो के साथ, साहू सर के साथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करते रहिएगा और जिंदगी में बेस्ट से बेस्ट स्कोर हासिल करने की कोशिश करते रहिएगा। तो आज का सुपर लेक्चर दोस्तों न्यूरोलॉजी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड, स्वागत करता हूं आप सबका वोगली लाइव यूट्यूब क्लासेस के अंदर। और दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं न्यूरोलॉजी सुपर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो न्यूरोलॉजी से क्या क्या इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और संभावित एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आने की फुल पॉसिबिलिटी है, उन क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से इमेज बेस्ड क्वेश्चन न्यूरोलॉजी से आने की संभावना है, चाहे एम्स ऋषिकेश का एग्जाम हो और या फिर हो चारों कंबाइंड एम्स। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को पूरा डेफिनेटली लास्ट तक आप देखते रहिएगा और डेफिनेटली अपने बेसिक को कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो इस यूनिट से आने की संभावना है, यानी पॉसिबल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सब इमर इमेज अगर आने वाले एग्जाम्स के अंदर शो होता है तो जस्ट इट इज द ट्रेंडल बर्च साइन। क्या है बेटा? ट्रेंडल बर्च साइन। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है ट्रेंडल बर्च पोजिशन। ट्रेंडल बर्च पोजिशन, ये इसको फंडामेंटल के अंदर मैं रिप्रेजेंट करूंगा जब पोजिशंस, यानी कि जब इमेज बेस्ड फंडामेंटल का होगा। अभी आपके इमेज बेस्ड फंडा का बाकी है, ओबीजी का बाकी है, पेडियाट्रिक पे होगा नेक्स्ट इमेज बेस्ड, एक इमेज बेस्ड होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर मस्कुलोस्केलेटल का, यानी कि जो एम्स ऋषिकेश के अंदर न्यू यूनिट अभी बनी है ऑर्थोपेडिक यूनिट, उस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। और नेक्स्ट इमेज बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं रेस्पिरेटरी से और ईएनटी से, इंटेग्यूमेंट्री से। तो एमएसएन के यूनिट वाइज पूरे इमेज बेस्ड कंप्लीट करेंगे, फिर पीडियाट्रिक होगा, फिर ओबीजी होगा, फिर फंडामेंटल होगा। तो दोस्तों घबराएं नहीं, जो बच्चे मुझे रिप्लाई करके पूछते हैं कि सर फंडा का होना चाहिए, तो सारा कुछ होगा। आप अब वोगली आपके साथ है तो डोंट वरी, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा ये रिवर्स ट्रेंडल बर्च पोजिशन। नेक्स्ट देखिएगा, ये ट्रेंडल बर्च गैट होते हैं, ट्रेंडल बर्च गैट। ट्रेंडल बर्च गैट में एक लेग आपको ऊपर दिखेगा और एक लेग आपको नीचे टिका हुआ नजर आएगा। ओके, तो ट्रेंडल बर्च टेस्ट आईसीयू पे भी होगा, ओटी पे भी होगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आप अपनी पढ़ाई को फोकस करो, बस जितना आप कर सकते हो ना उतना आप करिएगा। मेरे ऊपर आप कितनी जिम्मेदारी छोड़ दो, बस एक तो इमेज बेस की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं आपकी, इमेज बेस मेरे ऊपर छोड़ दो पूरा जितना भी आएगा एग्जाम के अंदर। दूसरा, मैं आपके 50 क्वेश्चन पर यूनिट करवा दूंगा, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हर यूनिट से 50, तो वो जिम्मेदारी आप मुझे छोड़ दें। और इसके साथ साथ एक तीसरी जिम्मेदारी मैं आपकी ले रहा हूं जो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, लेकिन टेस्ट सीरीज अभी नाम छेड़ना भी खतरनाक साबित हो रहा है। टेस्ट सीरीज में बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहता और कोई डिस्कस भी नहीं करेगा चैटिंग में टेस्ट सीरीज के बारे में, और मुझे कॉल बिल्कुल नहीं करें टेस्ट सीरीज को लेकर के। मोस्ट ऑफ आज 450 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो 450 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनका रिजल्ट भी मैं शेयर कर चुका हूं। ओके, तो बाकी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है उनका भी हो जाएगा, और कल 7 जनवरी है तो कल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 8 बजे के बाद। बोल रहा हूँ कि कल तक जिसे फिल करना है वो फिल कर देना। ओके, कल इवनिंग 8 PM तक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप वो है ट्रेंडल बर्च टेस्ट, ट्रेंडल बर्च टेस्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो इमेज है वो है अर्थ पॉलिसी वाला। एप्स पॉलिसी को पुलिसमैन टिप हैंड कहते हैं, पुलिसमैन टिप रिसीविंग हैंड। पुलिसमैन टिप रिसीविंग हैंड में एक हाथ इस तरह से पीछे होता है और पीछे से इस तरह से कोई कॉइन लेने के लिए हाथ को मोड़ा जाता है, ठीक है। तो जस्ट इट इज द पुलिसमैन टिप हैंड, अर्थ पॉलिसी कहते हैं इसको। काफी इंपॉर्टेंट इमेज है, न्यूरोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है अर्थ पॉलिसी। अर्थ पॉलिसी को पुलिसमैन टिप हैंड कहते हैं। ओके, याद रखना इस इमेज को, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इमेज है बच्चों रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप। ये रिस्ट ड्रॉप, दोनों इमेजेस रिस्ट ड्रॉप का है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, चेकिंग द ब्रेकियो रेडियलिस मसल पावर।
इन मिड प्रॉन पोजिशन, इट इज पैरालाइज्ड इन रेडियल नर्व इंजरी। तो जब रेडियल नर्व इंजरी को इंडिकेट करता है, रेडियल नर्व इंजरी, रेडियल नर्व की इंजरी, यदि अगर रेडियल नर्व में इंजरी होती है तो इसको असेस करने के लिए वी जस्ट अप्लाई द ब्रेकियो रेडियलिस मसल पावर इन मिड प्रॉन पोजिशन। मिड प्रॉन पोजिशन में ब्रेकियो रेडियलिस पर पावर अप्लाई की जाती है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इसे कहते हैं बच्चे रेडियल नर्व इंजरी। रेडियल नर्व इंजरी के असेस करने के लिए इसको किया जाता है। रेडियल नर्व इंजरी के लिए चेक देख रहे हैं, ब्रेकियो रेडियलिस, ये रेडियल बोन है और ये ब्रेकियल प्लेक्सस है। तो ब्रेकियो रेडियलिस मसल पावर इन मिड प्रॉन पोजिशन, इट इज पैरालाइज्ड इन द रेडियल नर्व इंजरी। ओके, ये इमेज आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो इमेज बेस बन सकता है वो होता है ऑस्लर्स क्लैस्पिंग टेस्ट। इस तरह से इमेज आएगा। इस तरह का इमेज यदि होता है तो इसका नाम याद रखना, ऑस्लर्स क्लैस्पिंग टेस्ट। इफ द पेशेंट इज आस्क्ड टू क्लैस्प द हैंड, इंडेक्स फिंगर ऑफ द अफेक्टेड साइड फेल टू फ्लेक्स एंड रिमेन एज पोजिशनिंग इंडेक्स, इट इज सजेस्ट द मीडियल नर्व इंजरी। यदि अगर पेशेंट को आप इस तरह की पोजिशन देंगे और उससे कहेंगे कि आप फिंगर्स को फ्लेक्स करिए, ऐसे फ्लेक्स करिए, तो यदि अगर पेशेंट फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है, फ्लेक्स नहीं कर सकता है, और यदि अगर दे रिमेन्स इंडेक्स, ये इंडेक्स की इंडेक्स ही बनी रहे, खड़ी फिंगर को कहते हैं इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स की इंडेक्स ही बनी रहे, तो बच्चों इस तरह की कंडीशन इंडेक्स सजेस्ट करती है मीडियल नर्व इंजरी को। किसको? मीडियल नर्व इंजरी को। तो मीडियल नर्व इंजरी को इंडिकेट करने वाला टेस्ट होता है ये, इसको कहते हैं ऑस्नर्स क्लैस्पिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट पेन टेस्ट होता है, पेन टेस्ट और अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मीडियल नर्व के लिए टेस्ट करते हैं ये। मीडियल नर्व के लिए किया जाता है पेन टेस्ट। तो ये पेन हाथ में हो और यदि अगर इस तरह से यहाँ पर मीडियल नर्व को टेस्ट किया जा रहा हो तो आप पहचान करके ये कह सकते हैं कि सर इट इज द पेन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं फ्रॉमेंट्स टेस्ट या इसी को कहते हैं कार टेस्ट या फ्रॉमेंट्स टेस्ट, ये दूसरा नाम होता है कार टेस्ट का। कार टेस्ट तो हर किसी को आता है, कार टेस्ट आता है, लेकिन इसका दूसरा नाम याद रखना फ्रॉमेंट्स टेस्ट, इसको फ्रॉमेंट्स टेस्ट भी कहते हैं। फॉर द अल्नर नर्व अबडक्टर पॉलिसिस, अल्नर नर्व के लिए चेक किया जाता है, अल्नर नर्व को टेस्ट करने के लिए जस्ट वी डू द कार टेस्ट। कार टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ऐसे क्लाइंट को हैंड में कार पकड़ाया हुआ है या बुक पकड़ाया हुआ है, तो जस्ट इट इज द कार टेस्ट और इट इज यूजफुल फॉर द अल्नर नर्व। नेक्स्ट देख रहे हैं फुट ड्रॉप विद द क्लो टॉज मुड़े हुए हैं। ये देखिए बच्चे, टॉज यदि अगर मुड़े हुए हो और फुट भी इस तरह से ड्रॉप हो रहे हो नीचे की तरफ, जैसे हमने कहा कि ये सीधा रिस्ट है, यदि रिस्ट नीचे गिर जाए तो इसे कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। क्या कहते हैं? रिस्ट ड्रॉप। यदि अगर फुट भी इस तरह से मुड़े हुए हैं तो इट इज फुट ड्रॉप विद क्लो टॉज, टॉ भी मुड़े हुए हैं, और इट इज इंडिकेटिंग द पेरोनियल नर्व इंजरी। कौन सी नर्व इंजरी को इंडिकेट करता है? लेटरल पॉपलीटियल नर्व या पेरोनियल नर्व, लेटरल पॉपलीटियल या फिर पेरोनियल नर्व इंजरी को इंडिकेट करता है। क्या? फुट ड्रॉप विद क्लो फुट, क्लो टोज विद फुट ड्रॉप इंडिकेट द पेरोनियल नर्व इंजरी या लेटरल पॉपलीटियल नर्व इंजरी। नेक्स्ट बच्चों, अल्नर नर्व पाल्सी, ये देखिए अल्नर नर्व पाल्सी क्लो हैंड विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन। ये मेटाकार्पल है और मेटाकार्पल के साथ फेलिंजियल जुड़ी हुई है, मेटाकार्पोफेलिंजियल का हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द, यदि अगर आपको इमेज के अंदर शो होता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट एंड द फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलिंजियल जो है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये है इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स। क्या है ये? इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स, इनके अंदर हो रहा है फ्लेक्शन। क्या हो रहा है? फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेलिंजियल जॉइंट इन द मीडियल टू फिंगर्स ड्यू टू मीडियल टू फिंगर्स,
इट इज इंडिकेट द नर्व पाल्सी, अल्नर नर्व पाल्सी। तो अल्नर नर्व पाल्सी के लिए जो टेस्ट होगा उसमें आपको जस्ट क्या मिलता है, मेटाकार्पोफेलिंजियल का हाइपर एक्सटेंशन और इंटरफेलिंजियल का इस तरह की पोजीशन मिलती है, ऐसी मुड़ी हुई इस तरह से। और जो इंटरफेलिंजियल जॉइंट है, इसका इंटरफेलिंजियल जॉइंट का क्या हो रहा होगा, फ्लेक्शन हो रहा होगा। तो दिस इज इंडिकेटिंग द अल्नर नर्व पाल्सी। ओके बच्चे, नेक्स्ट होता है कंबाइंड क्लो हैंड। कंबाइंड क्लो हैंड इन्वॉल्विंग ऑल फिंगर्स ड्यू टू द बोथ अल्नर एंड मीडियल नर्व इंजरी। तो कंबाइंड क्लो हैंड जो होता है, कंबाइंड क्लो हैंड ऐसे दिख रहा है, ये हैंड का वेंट्रल साइड है और ये हैंड का डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड से भी इमेज शो कर रखा है और वेंट्रल साइड से भी इमेज शो किया हुआ है, जिस तरह से भी आता है उस तरह से आप पहचान लेंगे। ओके बच्चों, तो डॉर्सल या मीडियल दोनों। कंबाइंड क्लो हैंड इन्वॉल्विंग ऑल फिंगर ड्यू टू द बोथ अल्नर एंड मीडियल नर्व इंजरी। अल्नर और मीडियल हो जाता है तो हैंड क्लो हो जाएगा, क्लो हैंड होगा। ओके, तो क्लो हैंड इंडिकेट द अल्नर और मीडियल नर्व इंजरी। ओके बच्चे, हाइपोग्लॉसल नर्व पाल्सी, आप यहां देख रहे होंगे ये टंग शो किया हुआ है, तो टंग में हाइपोग्लॉसल नर्व का पाल्सी दिखाया हुआ है, पैरालिसिस दिखाया हुआ। हियर टंग डेविएट टुवर्ड्स द सेम साइड, वेस्टिंग ऑफ द टंग मसल ऑन द सेम साइड इज एविडेंट। तो जस्ट दिस इमेज शोविंग द हाइपोग्लॉसल नर्व पाल्सी। ओके, हाइपोग्लॉसल नर्व पाल्सी। नेक्स्ट इमेज इज द स्पाइनल नीडल इंसर्टेड इनटू द सबअरेक्नॉइड स्पेस। तो यू आइडेंटिफाई दिस इमेज, ये इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हम जैसे एलपी वाले इमेज करेंगे, एलपी लंबर पंचर वाले, और यहाँ पर ये निडिल है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, इस निडिल का क्या नाम है। तो इस निडिल को कहते हैं स्पाइनल निडिल, क्या कहा जाता है, स्पाइनल निडिल। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि स्पाइनल निडिल कौन से, तीन लेयर्स होती है, डी ए पी, तीन मैनिंजीज होती हैं बच्चे। मैनिंजीज को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखना, आउटर टू इनर साइड। आउटर मैनिंजीज को कहते हैं ड्यूरा मैटर, मिडिल का नाम है एरेक्नोइड मैटर, और इनर मोस्ट होती है पाया मैटर। ड्यूरा, एरेक्नोइड और पाया मैटर। ओके बच्चों, ड्यूरा, एरेक्नोइड और पाया मैटर। तो जस्ट ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर यहां पर होता है सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या होता है सब एरेक्नोइड स्पेस? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर हम इंसर्ट करते हैं स्पाइनल निडिल सीएसएफ सैंपलिंग के लिए। ओके, या एनेस्थीसिया के लिए। ऐसा या तो एनेस्थीसिया के लिए किया जाता है या फिर स्पाइनल सैंपलिंग के लिए किया जाता है। ओके, ये जो पोजिशनिंग द पेशेंट फॉर लंबर पंचर, तो ज्यादातर डेली एम्स में जो क्वेश्चन आता है या और भी एम्स में जो इमेज पूछी जाती है एलपी की, लंबर पंचर का ये वाला इमेज दिया जाता है। ठीक है, ये वाला इमेज ज्यादा आता है। बट ध्यान रखना, यदि अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन नहीं ले सकता तो फिर सिटिंग पोजीशन में हम लंबर पंचर करेंगे, और सिटिंग पोजीशन के लिए ये वाला पोजीशन जो होगा वो लंबर पंचर होगा, लंबर पंचर का पोजीशन होगा। तो लंबर पंचर व्हाट दे आर डूइंग, तो कहा जा सकता है इन द गिवन इमेज विच ऑफ द प्रोसीजर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो इन द सेकेंड इमेज वी डेमोन्स्ट्रेटिंग द लंबर पंचर इन सिटिंग पोजिशन, इन फर्स्ट पोजिशन वी डेमोन्स्ट्रेटिंग द लंबर पंचर इन साइड लाइन पोजिशन। तो दिस इज एलपी इन द साइड लाइन सी शेप पोजिशन। ओके, और दिस इज द सिटिंग पोजिशन फॉर एलपी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बाइसेप्स रिफ्लेक्स, ये भी काफी मोस्ट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि ये बाइसेप रिफ्लेक्स आपसे पूछा जाए। ओके, तो दिस इज असेसिंग द बाइसेप, तो दिस इज द बाइसेप रिफ्लेक्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट ये देख रहे हैं आप न्यूरो एचाइलिस रिफ्लेक्स टेस्ट। ये टेस्ट जो किया जा रहा है ये है न्यूरो एचाइलिस एचाइल्स रिफ्लेक्स टेस्ट, न्यूरो एचाइल्स रिफ्लेक्स टेस्ट। ओके, दिस इमेज क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट द गिवन इमेज showing, so just this image is showing the testing of neuroachilles reflex test, neuroachilles reflex. Okay, next होता है patellar reflex, patella पर अगर reflex किया जा रहा है, patella पे stalk किया जा रहा है,
this talk is done to test the patellar reflex. So this is the patellar reflex test. Okay, patellar reflex test. Next image, plantar reflex test. Dekhiye bachche, plantar reflex test. Okay, next image is showing the plantar reflex test. Next aap dekh rahe honge anesthesia machines. These are anesthesia machines. Okay, ye device dono yaad rakhiyega, neurology se related bhi hota hai. Anesthesia machines are very important test and very important devices, machineries, equipments. They are anesthesia machines. Then this may be also very important. These are anesthesia mask. Alag alag color ki ye anesthesia mask hai. Okay, so these are six different colors of anesthesia mask. This is the Bell's palsy, one side facial paralysis. Aur bachche Bell's palsy one side facial paralysis, one side facial paralysis. Aur one side facial paralysis hota hai facial nerve ke damage hone se, facial nerve injury ke karan. To facial nerve injury hoti hai seventh cranial nerve. Kaun si nerve? Seventh cranial nerve hota hai facial nerve. Aur facial nerve mein yadi injury ho jata hai to face ka one side paralysis ho jata hai, jisko hum bhengapan kehte hain. Bhengapan hindi mein bhenga hota hai tedapan, muh ek side mein mud jata hai. Aur iski identification bhi hoti hai hyposalivation. Kya hota hai bachche? Hyposalivation. Theek hai na, hyposalivation. Aur iska ek most common reason bhi hota hai, Bell's palsy occurs as a complication due to the VZV, वेरिसेला जुस्टर वायरस. वेरिसेला जुस्टर वायरस जो होता है, वेरिसेला जुस्टर वायरस ये पाया जाता है डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियंस के अंदर, जो पीछे की डॉर्सल साइड के नर्व रूट गैंग्लियंस हैं उनके अंदर होता है ये. तो जिसको कभी चिकन पॉक्स होता है ना, चिकन पॉक्स वाले बच्चों के अंदर VZV वायरस डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियंस के अंदर स्टोर्ड रहता है. और इस वजह से ये रीएक्टिवेट यदि कभी हो जाए तो इसके रीएक्टिवेशन की वजह से बच्चों अडल्ट्स में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कहते हैं सिंजल्स. तो सिंजल्स के क्लिनिकल फीचर उसी तरह के होते हैं जैसे कि चिकन पॉक्स के होते हैं. तो सिंजल्स इज अ VZV इन्फेक्शन इन द अडल्ट्स और चिकन पॉक्स इज अ VZV इन्फेक्शन इन चिल्ड्रंस में. इसको VZV के इन्फेक्शन को कहते हैं वेरिसेला जुस्टर वायरस के चिकन पॉक्स, और अडल्ट्स में सिंजल कहते हैं. तो सिंजल का कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों बेल्स पाल्सी. इसलिए जब कभी भी सिंजल का पेशेंट यदि हॉस्पिटल में आता है तो सिंजल के पेशेंट का फर्स्ट असेसमेंट होता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. क्यों कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट? बिकॉज वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई दिस पेशेंट इन द अर्ली स्टेज बिकॉज इट डैमेजेस टू द नर्वस सिस्टम. क्योंकि VZV नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है. नेक्स्ट देखिए सेरिब्रल पाल्सी. ये बच्चा जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सेरिब्रल पाल्सी. ओके, और सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे वैसे होते हैं जैसे मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं. कंजेनाइटल प्रॉब्लम है सेरिब्रल पाल्सी, तो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे उसी तरह के बच्चे होते हैं जिस तरह के मेंटली रिटार्डेड वाले, लो IQ वाले जिनका इंटेलिजेंस कम होता है. और मेंटली रिटार्डेड के इन बच्चों के अंदर हाइपर सलाइवेशन होता है. हाइपर सलाइवेशन, ठीक है. तो इनके माउथ से सलाइवा का एक्सेसिव सिक्रेशन होता रहता है, ड्रूलिंग जिसको आप कहते हो. क्या कहते हो? ड्रूलिंग. ड्रूलिंग इज द जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ द सलाइवा आउटसाइड टू द माउथ. तो जस्ट दे आर द हाइपर सलाइवेटेड चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी. एंड दिस इज इंडिकेटिंग द अर्ब्स पाल्सी. ये दोनों अगर हैंड्स इस तरह से मुड़े हुए हैं, ये देखिए, तो दैट इज इंडिकेटिंग द अर्ब्स पाल्सी. दिस इमेज इज शोविंग द अर्ब्स पाल्सी. ओके बच्चे, नेक्स्ट रेडियल नर्व पाल्सी और सैटरडे नाइट पाल्सी. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है सैटरडे नाइट पाल्सी. सैटरडे नाइट पाल्सी ये वर्क करते करते इस तरह से हैंड्स जो होते हैं या ज्वाइंट से दर्द करते हैं, और ज्वाइंट से दर्द करते हैं तो जस्ट इस कंडीशन में ऐसे हैंड्स लटक जाता है.
इसको कहते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, सैटरडे नाइट पॉलिसी किसका दूसरा नाम है? रेडियल नर्व पॉलिसी को ही सैटरडे नाइट पॉलिसी कहा जाता है। रेडियल नर्व पॉलिसी, इसी को कहते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी। ओके, वेटर टिप हैंड भी कहते हैं, पुलिसमैन टिप हैंड या वेटर टिप हैंड। ओके, और ये है बच्चे स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा देखिए, दिस बेबी इज शोविंग द स्पाइना बाइफिडा, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इमेज बेस्ड न्यूरोलॉजी से पूछा जा सकता है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है। स्पाइना बाइफिडा ओपन डिफेक्ट, तो ये बेबी का डायग्राम आपको मिल सकता है आने वाले कमिंग एग्जाम्स के अंदर। और कहा जा सकता है कि दिस बेबी इज अफेक्टिंग विद, दिस बेबी इज अफेक्टिंग विद, दिस बेबी इज अफेक्टिंग विद द स्पाइना बाइफिडा। ओके, तुम लोग चैनल में बहुत मस्ती कर रहे हो यार बच्चों, सब लोग मिल करके। मुझे लगता है ना तुम्हारे एक बहुत शानदार एंटरटेनमेंट का संसाधन बन गया है। अरे सतीश शर्मा बेटा किससे पूछ रहा है, मुझसे बात कर रहा है क्या? नहीं ना, चलो थैंक्स। स्पाइना बाइफिडा ओपन डिफेक्ट है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें जो बच्चे फर्स्ट इमेज है वो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा का इमेज है। यदि अगर ये स्पाइनल कोड दिया जाए एग्जाम के अंदर और पूछा जाए तो दिस इमेज इज शोविंग द स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओके, और सेकेंड इमेज मैनिंजो सील का इमेज है, मैनिंजो सील। और थर्ड इमेज जो है वो मैनिंजो माइलो मैनिंजो सील है। थर्ड इमेज माइलो मैनिंजो सील, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, मैनिंजीज का आउटवर्ड प्रोट्रूजन हो जाता है। तो माइलो मैनिंजो सील, मैनिंजो सील और स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, तीनों एक साथ इसलिए रखे गए ताकि आप डिफरेंशिएट करके समझ पाए। तो फर्स्ट इमेज शोविंग द स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, सेकेंड इमेज शोविंग द मैनिंजो सील एंड थर्ड इमेज इज शोविंग द माइलो मैनिंजो सील। ओके, देन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। इसको मैं 2 स्टार इसीलिए दे रहा हूँ। आप कितने स्टार देंगे वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, बाकी मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को 2 स्टार जरूर मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इमेज ये है और सेकेंड इमेज ये है, तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाएगा। ये श्योर मुझे लग रहा है ना, एम्स दिल्ली में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा इस साल, कंफर्म है मेरी तरफ से, तो डिक्लेयर्ड है एम्स दिल्ली का क्वेश्चन है ये फुल फ्लश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट मैनिंजो सील और सेकंड जो है मैनिंजो माइलो सील। तो फर्स्ट मैनिंजो सील और सेकंड मैनिंजो माइलो सील, फर्स्ट मैनिंजो सील और सेकंड मैनिंजो माइलो सील को इंडिकेट कर रहा है। दोनों इमेज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं बच्चों और यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इस बार। तो ये जो आप लोब देख रहे हैं, ब्रेन के इस लोब का नाम है फ्रंटल लोब। क्या नाम है? फ्रंटल लोब। और जस्ट ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर का जो एरिया है बच्चे ये है ब्रेन का टेम्पोरल लोब। कौन सा लोब है? टेम्पोरल लोब। और जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये है ब्रेन का पेरिएटल लोब। कौन सा? पेरिएटल लोब। और लास्ट फाइनली जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये है बच्चों ऑक्सीपिटल लोब। तो दिस इज द ऑक्सीपिटल, ओके ऑक्सीपिटल, दिस इज द पेरिएटल लोब, पेरिएटल एंड दिस इज द टेम्पोरल लोब एंड दिस लोब इन द रेड कलर इज फ्रंटल लोब। ओके, अब हमसे जो क्वेश्चन किया जाता है वो अलग अलग सेंटर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो फ्रंटल लोब में कौन कौन सी एक्टिविटीज से रिलेटेड सेंटर्स होते हैं? तो सबसे पहला मैं लर्न करवा देता हूं जो आप देख रहे हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में होता है ब्रोकास एरिया। क्या होता है? ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया इज रेस्पॉन्सिंग फॉर एक्सप्रेसिंग द लैंग्वेज।
Broca's area is responsible for expressing the language. दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चे विजन से रिलेटेड. विजन से रिलेटेड सेंटर्स होते हैं ऑक्सीपिटल लॉब के अंदर. किसमें? ऑक्सीपिटल लॉब में. तो विजन रिलेटेड सेंटर्स आर लोकेटेड इन द ऑक्सीपिटल लॉब. देन टेम्पोरल लॉब के अंदर कौन कौन से सेंटर्स होते हैं? तो जस्ट मेमोरी, रिकॉग्नाइजिंग, जनरेटिंग इमोशंस और लैंग्वेज. तो टेम्पोरल लॉब में क्या क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए टेम्पोरल में मेमोरी, देन रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग, देन इमोशंस, इमोशंस क्रिएट करना, इमोशंस क्रिएट करना, एंड लैंग्वेज से रिलेटेड लॉब्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं बच्चों टेम्पोरल लॉब के अंदर. कहां पर? टेम्पोरल लॉब में. विजन से रिलेटेड जो सेंटर्स होते हैं, विजन से रिलेटेड, वो होते हैं ऑक्सीपिटल लॉब के अंदर. और एक आप देख रहे हैं येलो कलर से जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इस एरिया का नाम है वर्निक्स एरिया. क्या नाम है बेटा? वर्निक्स एरिया. ठीक है ना? तो इस एरिया का ध्यान रखिए, इस एरिया का नाम है वर्निक्स एरिया. क्या नाम है? वर्निक्स एरिया. और ये वाला एरिया होता है ब्रोकास एरिया. तो दिस इज द ब्रोकास एरिया, दिस इज वर्निक्स एरिया. और वर्निक्स एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज. अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और ब्रोकास एरिया एक्सप्रेसिंग द लैंग्वेज. तो वर्निक्स एरिया अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज और ब्रोकास एरिया एक्सप्रेसिंग द लैंग्वेज. नेक्स्ट फ्रंटल लॉब होता है. और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंटल लॉब है. फ्रंटल लॉब रिलेटेड होता है प्लानिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजिंग, इमोशंस, बिहेवियरल कंट्रोल, पर्सनालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, सोशल स्किल, थिंकिंग एंड कॉन्शियस मूवमेंट्स. तो अभी जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना, वो प्लानिंग कहाँ से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है बेटा फ्रंटल से. जो आप प्लान कर रहे हो एग्जाम की, जो प्लानिंग कर रहे हो ना, वो फ्रंटल से कर रहे हो. कहाँ से? फ्रंटल से. प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो वो भी फ्रंटल से ही कर रहे हो. इमोशंस एंड बिहेवियर कंट्रोल, आपकी पर्सनालिटी, ये सब फ्रंटल से कंट्रोल हो रहा है. ब्रोका एरिया से लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अभी, तो बोलना, लैंग्वेज एक्सप्रेस करना, दैट इज रिलेटेड टू द ब्रोकास एरिया. ओके, तो लैंग्वेज एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू ब्रोकास एरिया. देन द अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जस्ट आई एम सेइंग समथिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग. आप सुन रहे हो और समझ रहे हो. तो जो आप सुनते हो और समझ रहे हो मेरी लैंग्वेज को, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज एंड यू आर लिसनिंग माई लैंग्वेज, दिस इज रिलेटेड टू द वर्निक्स एरिया. तो मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ ना, दैट इज रिलेटेड टू द ब्रोकास एरिया एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज, दैट इज रिलेटेड टू द वर्निक्स एरिया. ओके बच्चों, नेक्स्ट जो इमेज देख रहे हैं आप, वो ईईजी का इमेज है. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है. और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में चार तरह के वेव होते हैं, 1, 2, 3 और 4. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है. और इसमें 4 वेव होती है. फर्स्ट वेव का नाम याद रखिए अल्फा वेव होती है, सेकेंड वेव बीटा वेव, थर्ड वेव होती है थीटा वेव, और फोर्थ वेव होती है डेल्टा वेव. तो बच्चों ये वेव्स के नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव और डेल्टा वेव. अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा. ओके, ये जैसे हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट होते हैं ना, ए बी सी डी, वैसे ही ये अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये ग्रीक की अल्फाबेट है. ग्रीक के अल्फाबेट है अल्फा, बीटा, थीटा. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दोनों ही काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. एक होता है डीकोर्टिकेट रिजिडिटी और दूसरा होता है डी सेरिब्रेट रिजिडिटी. डीकोर्टिकेट रिजिडिटी और डी सेरिब्रेट रिजिडिटी. तो बच्चे दिस इज द डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग और दिस इज डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग. आप एक ही झटके में पहचान जाओगे दोनों डायग्राम्स को. यदि अगर दोनों हैंड्स चेस्ट पर रखे हों, इस तरह से क्लाइंट ने अपने दोनों हैंड्स को चेस्ट पर रखा हुआ हो, फ्लैक्स करके, मोड़ करके, मोड़ के फ्लैक्स करके, इस तरह से दोनों हैंड्स यदि चेस्ट पर रखे हुए हों, तो ये जो होगा ये डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग होता है. क्या होता है? डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग. डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग इंडिकेट द डिसफंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स. डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग तब बनता है जब ब्रेन का कॉर्टेक्स एरिया डैमेज हो रहा हो. ब्रेन में इंजरी कहां पर हो रही हो?
कॉर्टेक्स का यदि अगर इंजरी हो रहा हो, सतीश शर्मा बेटा आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप परेशान ना हो, बार बार एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट नहीं करें, सतीश हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा ना, जिन भी बच्चों का टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, थ्योरी का अभी जो एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर्स हैं इनमें टेस्ट सीरीज का जिक्र नहीं करें प्लीज। मैं कल भी आपको कह रहा था कि लेक्चर पे फोकस करिएगा, और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जिनकी भी रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है वो सबके होंगे। कल 8 बजे तक जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे सबके होंगे, निश्चिंत रहिए। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। और कई बच्चे पूछते हैं कि भाई कैसे ओपन करें, कैसे खुलेगा रजिस्ट्रेशन आईडी, तो बच्चों सीखो आप थोड़ा सा, आपको डेवलप करना मेरा मेन मकसद है, आपको सिखाना, आपको डेवलप करना, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जोड़ना, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से नहीं वाकिफ हैं, तो थोड़ा उससे फैमिलियर होइएगा, क्योंकि इसी से हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। इससे क्या होगा, एक जो अभी फ्रेशर हमारे जितने भी भाई बंधु फ्रेशर हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, उनको एक अनुभव मिल जाएगा कि ऑनलाइन जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो भी इस टेस्ट सीरीज से, जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज से आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज की डिस्कशन अभी नहीं करें, वरना मुझे बंद करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज को, राइट। तो टेस्ट सीरीज में पेशेंस रखो थोड़ा सा आप लोग, और एक जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज देने के बाद फीडबैक नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ फीडबैक करिएगा, रिजल्ट भी आपका शेयर करिए मेरे साथ। तो जो भी आपको जितनी परसेंटेज बनी है वो अभी आप शेयर करना, और आपका एक्सपीरियंस जरूर लिख के बताओ यहाँ पर कि टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, ताकि आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें या उसको यहीं बंद करें, ये भी आप शेयर करो प्लीज, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओगे तब जा करके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बातें भी आगे बढ़ाएंगे, और सबका हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई कमेंट ना करें, ओके। डी कॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट पोस्टनिंग, दोनों टाइप का पोस्टनिंग देख रहे हैं। तो यदि अगर बच्चे दोनों हैंड्स चेस्ट पर रखे हों, दोनों हैंड्स चेस्ट पर रखे हुए हैं, तो दोनों हैंड्स चेस्ट पर यदि रखे हुए हैं बच्चे, तो जस्ट इस टाइप की पोस्चरिंग जो होता है ये डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग होता है। और दोनों हैंड्स यदि साइड में हो और फ्लैक्स हो रहे हो, फ्लैक्स मीन्स ये तो एक्सटेंडेड है ये फ्लैक्स्ड है, यदि दोनों हैंड्स साइड्स में हो और फ्लैक्स्ड और प्रोनेटेड पोजिशन के अंदर होने चाहिए, और एक्सटेंडेड यहाँ से होना चाहिए और यहाँ से अबडक्टेड होना चाहिए, और प्लांटर फ्लेक्शन में होना चाहिए, प्लांटर एरिया फ्लेक्स्ड होना चाहिए। तो यदि अगर इस टाइप का पोजीशन आप देख रहे हो तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड डी सेरिब्रेट पोजीशन, इसको कहते हैं डी सेरिब्रेट। तो बस दोनों में ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल से हैं दोनों इमेजेस। यदि अगर दोनों हैंड्स फ्लेक्स्ड पोजीशन में चेस्ट पर देखो आप, तो ये डी कॉर्टिकेट है, और साइड में अगर आप देखें फ्लेक्स्ड पोजीशन में, तो दैट इज द डी सेरिब्रेट। बच्चे डी सेरिब्रेट जो पोस्चरिंग होता है ये ब्रेन स्टेम में इंजरी को इंडिकेट करता है, ब्रेन स्टेम लीजेंस। तो ऐसा कब होता है, जब ब्रेन स्टेम में लीजेंस होते हैं, ब्रेन स्टेम लीजेंस के केस में ऐसा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी कब मिलेगा बच्चे, जब कॉर्टेक्स एरिया में डैमेज हो। तो यदि अगर डैमेज कॉर्टेक्स में है तो डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग होता है, और यदि अगर डैमेज ब्रेन स्टेम में है तो डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-स्टार क्वेश्चन है दोनों, डी कॉर्टिकेट डी सेरिब्रेट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे प्यूपिल टेस्ट, प्यूपिल आई टेस्ट। प्यूपिल आई टेस्ट में यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन इंडिकेट द कंप्रेशन ऑफ क्रेनियल नर्व डैमेज। अब बच्चों इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, सब बच्चे इधर देखो और इसे ध्यान से समझिएगा। यदि अगर आपको ये जो आई दिखता है, आई का स्ट्रक्चर कुछ तरह का होता है, देखो ये आई बॉल होता है, और आई बॉल में बीचों बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिखती है ये होता है प्यूपिल, ओके, जहां से होकर लाइट वेव्स आई के अंदर एंटर करती है, लाइट वेव्स आईज में एंट्री करती है, उसको कहते हैं बेटा प्यूपिल। तो प्यूपिल जब आप दोनों प्यूपिल्स, ये जो फर्स्ट वाला इमेज है इसमें दोनों आईज के प्यूपिल सिमिलर हैं, सेम है, बराबर इक्वल साइज के हैं, तो ये नॉर्मल आईज है, ओके। जब आप देखें कि यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन, यदि अगर एक प्यूपिल छोटा है, वन प्यूपिल छोटा है और सेकेंड प्यूपिल इज द लार्ज, तो वन प्यूपिल इज स्मॉल एंड इफ वन प्यूपिल इज लार्ज,
तो आप ऐसा देखो, यदि अगर टू आईज का इमेज आता है और उसमें वन प्यूपिल डायलेटेड है, वन प्यूपिल इज डायलेटेड, तो वन प्यूपिल यदि डायलेटेड है तो इट इज इंडिकेट द इंजरी इन द क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व थर्ड के कंप्रेशन को इंडिकेट करता है। तो यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन यदि हो रहा हो इमेज में तो इट इज इंडिकेट द कंप्रेशन ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड। ओके बच्चों, जस्ट कंप्रेशन ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड कॉजेज द यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन। दूसरा, मिड मिड पोजिशन फिक्स्ड प्यूपिल इंडिकेट द मिड ब्रेन इंजरी। मिड पोजिशन प्यूपिल हो, मिड पोजिशन प्यूपिल हो और फिक्स्ड हो, मिड पोजिशन फिक्स्ड प्यूपिल इंडिकेट द इंजरी इन मिड ब्रेन। किसमें इंजरी को इंडिकेट करते हैं? मिड ब्रेन में इंजरी को इंडिकेट करते हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो होता है पिन पॉइंट फिक्स्ड प्यूपिल। पिन पॉइंट प्यूपिल दो ही केस में होते हैं, या तो बच्चे पॉन्स में डैमेज हो तब होता है, और या फिर मॉर्फिन टॉक्सिसिटी हो जाता है तब पिन पॉइंट प्यूपिल आप ऑब्जर्व करोगे। तो पिन पॉइंट प्यूपिल का मीन्स होता है प्यूपिल इतने स्मॉल हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल साइज में काफी स्मॉल हो जाए, छोटे से पिन का जितना सा पॉइंट होता है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये जो पिन है इतना सा पॉइंट होता है ना, इतनी सी साइज के यदि प्यूपिल हो जाए ना बच्चों, तो इनको कहते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। तो पिन पॉइंट प्यूपिल टू केसेस में आप ऑब्जर्व करोगे, या तो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी के केस में ऐसा होता है, और या फिर होता है पॉन्स डैमेज हो जाए तब ऐसा होता है। बायलेटरल डायलेटेड फिक्स्ड प्यूपिल नॉन एज ओमिनस साइन। बायलेटरल प्यूपिल्स के डायलेट होने को कहते हैं ओमिनस साइन। ये टर्म याद रखिए, ओमिनस साइन। ओमिनस साइन का मीन्स होता है बच्चों बायलेटरल प्यूपिल डायलेट, बायलेटरली प्यूपिल डायलेटेड। जैसा आप यहां देख रहे होंगे, बायलेटरल प्यूपिल डायलेटेड, बायलेटरल प्यूपिल डायलेटेड, बायलेटरल प्यूपिल डायलेटेड इज नॉन एज ओमिनस साइन। क्या कहते हैं इसको? ओमिनस साइन। यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेटेड है, यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेटेड है तो इट इज इंडिकेट द कंप्रेशन ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड। यदि मिड पोजिशन फिक्स प्यूपिल है तो मिड ब्रेन इंजरी को इंडिकेट करता है। पिन पॉइंट प्यूपिल दो ही केस में होते हैं, पिन पॉइंट प्यूपिल या तो पॉन्स को इंजरी हो जाए या फिर मॉर्फिन टॉक्सिसिटी हो जाता है, तब जाकर के पिन पॉइंट प्यूपिल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा इस बात को भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा, बेबिन्स की साइन इंडिकेट द सीएनएस डिजीज। यदि अगर आप देख रहे हैं बेबिन्स की साइन, बेबिन्स की साइन में क्या होता है बच्चे, जो फुट होता है, फुट का डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ बिग टो, फुट में बेबिंग की बिग टो, ऐसे याद रखना इसको। याद कैसे रहेगा आपको? बेबिंग की बिग टो, ये टर्म याद रखना, बेबिंग की बिग टो। क्या याद रखोगे? बेबिंग की बिग टो, ये याद रखना बच्चों, बेबिंग की बिग टो, बेबिंग की बिग टो, बेबिंग की बिग टो, बेबिंग की बिग टो में क्या होता है? इट मींस बेबिंग की साइन रिलेटेड टू बिग टो। तो इससे क्या याद होगा? बेबिंग की साइन रिलेटेड टू बिग टो। बिग टो का क्या होता है? डॉर्सिफ्लेक्शन। क्या होता है? डॉर्सिफ्लेक्शन। तो बच्चों, जब आप प्लैनर एरिया पर प्रिक करोगे, इसका जो पाम जो पेडल एरिया है वहां पर अगर प्रिक करोगे आप, तो प्रिक करने से क्या होगा? यूजुअली नॉर्मली तो हमारा जो मूवमेंट होता है, टो का मूवमेंट जो होता है, लेग के टो का मूवमेंट, सपोज करो ये लेग का टो है, तो टो का ये वाला साइड डॉर्सल साइड है, डॉर्सल, और आगे वेंट्रल है, तो डॉर्सल और वेंट्रल। तो नॉर्मली तो जो हम टो को मूव करते हैं वो वेंट्रली मूव करते हैं, और एबनॉर्मल कंडीशन में जब सीएनएस डैमेज होता है, सीएनएस डिजीज होती है, तो डॉर्सिफ्लेक्शन होता है, और इसी को कहते हैं बेबिंग की बिग टो रिफ्लेक्स, बेबिंग की बिग टो रिफ्लेक्स। तो बेबिंग की बिग टो रिफ्लेक्स इज द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ बिग टो एंड इट इज इंडिकेट द इंजरी इन द सीएनएस डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देख रहे हैं कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स, ब्लिंक रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं। लॉस ऑफ ब्लिंक इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्निया इंडिकेट द डिसफंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व 5। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पुटअप होता है बच्चे, कि व्हाट दे आर असेसिंग,
ये क्या असेस कर रहे हैं, क्या असेस किया जा रहा है? तो दिस इज असेसिंग द कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, दिस इज असेसिंग द कॉर्नियल कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स। कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स का दूसरा नाम है बच्चे ब्लिंक रिफ्लेक्स। तो दिस इज असेसिंग द ब्लिंक रिफ्लेक्स। और ब्लिंक रिफ्लेक्स में क्या करते हैं हम, ये जो हमारा कॉर्निया है यहां स्टिमुलेट करते हैं। तो कॉर्निया को स्टिमुलेट करने पर आईज नॉर्मली ब्लिंक करती है, बंद हो जाती है। लेकिन यदि अगर कॉर्निया को स्टिमुलेट करने पर भी आईज क्लोज नहीं हो रहा है तो इट इज इंडिकेटिंग द इंजरी इन द क्रेनियल नर्व फिफ्थ, क्रेनियल नर्व फिफ्थ, फिफ्थ क्रेनियल नर्व में इंजरी पर जस्ट द क्लाइंट डू नॉट शो द ब्लिंक रिफ्लेक्स। एब्सेंस ऑफ ब्लिंक रिफ्लेक्स इंडिकेट द इंजरी इन द क्रेनियल नर्व फिफ्थ। ब्लिंक रिफ्लेक्स का एब्सेंस होना क्रेनियल नर्व फिफ्थ की इंजरी को इंडिकेट करता है। ओके, तो लॉस ऑफ ब्लिंक इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्निया इंडिकेट द डिसफंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व फिफ्थ, और इसे कहते हैं कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स। तो ये आप देख रहे होंगे कॉर्नियल रिफ्लेक्स असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे असेसिंग द गैग रिफ्लेक्स बाय टचिंग द बैक ऑफ थ्रोट। लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स इंडिकेट द डिसफंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व 9 और 10। इसमें क्या किया जाता है, जो थ्रोट एरिया है, थ्रोट एरिया को टच किया जाता है। वी आर टचिंग द थ्रोट, बैक ऑफ थ्रोट, जस्ट वी आर टचिंग द बैक ऑफ थ्रोट। एंड देयर इज, इस केस में जब कभी बैक ऑफ थ्रोट को हम टच करेंगे तो गैग रिफ्लेक्स आने चाहिए, सलाइवा निगलना चाहिए। लेकिन यदि गैग रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो गैग रिफ्लेक्स का नहीं होना क्या इंडिकेट करता है, दे आर इंडिकेटिंग द डैमेज ऑफ क्रेनियल नर्व 9 और 10। तो एब्सेंस ऑफ द गैग रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स इंडिकेट द डैमेज इन द क्रेनियल नर्व 9 और 10, और इट इज कॉल्ड एज द जस्ट गैग रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं इसको, गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स असेस करने के लिए आपको टच करना होता है बैक ऑफ थ्रोट, बैक ऑफ थ्रोट। टूथब्रश से भी कर सकते हो आप, टूथब्रश जब अंदर डालोगे तो बैक ऑफ थ्रोट विल बी स्टिमुलेटेड एंड इन दिस कंडीशन द गैग रिफ्लेक्सेस स्टार्ट, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, गैग रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन यदि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इस केस में क्या इंडिकेट हो रहा है, जस्ट इट इज इंडिकेटिंग द बच्चे क्रेनियल नर्व डैमेज इन डिसफंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व 9 और 10। तो दैट इमेज बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज इज द कर्निंग साइन। कर्निंग साइन, लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ द सुपाइन क्लाइंट टू स्ट्रेट द लेग्स कंप्लीटली व्हेन इट इज फुली फिक्स्ड एट द नी इंडिकेट द मेनिंजियल इरिटेशन। जब आप लेग को पूरा फ्लेक्स कर देते हो, नेक यहाँ लेग के नी वाले एरिया से, यदि अगर लेग को फ्लेक्स कर दिया जाए तो पेशेंट इसको वापिस से स्ट्रेट नहीं कर सकता। पेशेंट इज नॉट एबल टू स्ट्रेट द लेग्स व्हेन इट इज फुली फ्लेक्स्ड एट द नी। जब नी से फुली फ्लेक्स्ड कर दिया जाए लेग को, तो पर्सन इज नॉट एबल टू स्ट्रेट द लेग्स अगेन, वो लेग को स्ट्रेट नहीं कर सकता। दिस इज द कर्निंग साइन। क्या कहलाता है ये, कर्निंग साइन। और कर्निंग साइन का इमेज भी काफी मोस्ट इमेज है। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इस इमेज से कर्निंग साइन और आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एक नॉर्मल चाइल्ड आपको यहाँ शो हो रहा है और ये ब्रुंजस की नेक साइन वाला चाइल्ड यहाँ पर शो हो रहा है। तो ब्रुंजस की नेक साइन, इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी व्हेन द नेक इज पैसिवली फ्लेक्स्ड इंडिकेट द मेनिंजियल इरिटेशन। तो ब्रुंजस की साइन और कर्निंग साइन दोनों ही मेनिंजीज के अंदर इंजरी को इंडिकेट करते हैं, मेनिंजियल इरिटेशन को इंडिकेट करते हैं। तो जब यहाँ से बेबी की नेक को आप ऐसे ऊपर करोगे तो ये साथ के साथ ही क्या करने वाला है, यहाँ से लेग्स को फ्लेक्स करने वाला है। तो लेग फ्लेक्शन, व्हेन यू डू द फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी व्हेन द नेक इज पैसिवली फ्लेक्स्ड। नेक को पैसिवली कोई दूसरा व्यक्ति यदि फ्लेक्स करता है तो पेशेंट नी और फुट को, हिप को फ्लेक्स करता है। ये इंडिकेट करता है बच्चे मेनिंजियल इरिटेशन, और इट इज द कर्निंग, इट इज द ब्रुंजस की साइन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज लॉग रोलिंग टेक्निक। और लॉग रोलिंग काफी मोस्ट क्वेश्चन होता है, न्यूरो का क्वेश्चन है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग में क्या होता है बच्चों, लॉग रोलिंग पेशेंट, उस पेशेंट को जरूरत पड़ती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रहा हो। स्पाइनल कॉर्ड को यदि अगर हमें स्ट्रेट रखना है और पेशेंट को पोजिशन चेंज करवाना है तो वी नीड टू डू द लॉग रोलिंग। This is neck resistance passive normal, natural rigidity,
ये जो पेशेंट है ये शो कर रहा है नचल रिजिडिटी, नचल रिजिडिटी, नचल रिजिडिटी, नचल रिजिडिटी इंडिकेट द हेमाटोमा ड्यू टू इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज जब किसी को हो जाता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाने से क्या होगा, हेमाटोमा फॉर्म हो जाते हैं, और हेमाटोमा फॉर्म होते हैं बच्चों तो नचल रिजिडिटी इसका साइन होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन प्रोसीजर, ये क्वेश्चन हो सकता है, आइडेंटिफाई द गिवन प्रोसीजर। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर क्रेनियोटॉमी, क्या है ये, क्रेनियोटॉमी का प्रोसीजर है ये, गार्डनर्स वेल टॉग, इसको ध्यान रखिए, ये डिवाइस आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ गार्डनर वेल टॉग, इसका नाम याद रखिए, गार्डनर वेल्स टॉग, तो गार्डनर्स वेल टॉग आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो फिक्सेशन, हेलो फिक्सेशन कहते हैं इसको, हेलो फिक्सेशन इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन, हेलो फिक्सेशन। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया बच्चों, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया अकर्स इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण पहला तो याद रखिए क्यों होता है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया मीन्स होता है और बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वाइटल ऑर्गन्स, उनकी एक्टिविटीज का ऑटोमेटिक हो जाना, एक्टिविटीज बिकम ऑटोमेटिक, देन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द बॉडी, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द बॉडी, दिस इज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो इट अकर्स इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एज अ कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या होगा, सडन ऑनसेट अचानक शुरू होता है पहली बात तो, सीवियर थ्रोबिंग हेडेक शुरू होता है, सिर भड़कने लगता है, बहुत ही तेज थ्रोबिंग टाइप का हेडेक होता है, थ्रोबिंग पाउंडिंग हेडेक जैसा सीवियर हाइपरटेंशन में होता है, तो नेक्स्ट साइन इसका होगा सीवियर हाइपरटेंशन, हार्ट रेट घट जाती है, ब्रेडीकार्डिया होगा, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, विजन बिकम ब्लर्ड, पायो इरेक्शन, पायो इरेक्शन गूस बम्प कहते हैं इसको, पायो इरेक्शन दैट इज कॉल्ड गूस बम्प, रेस्टलेसनेस, नोजिया और पेल एक्सट्रीमिटी, दीज आर द फाइंडिंग इन द पेशेंट विद ऑटोनॉमिक डिसरिप्लेक्सिया। ऑटोनॉमिक डिसरिप्लेक्सिया जस्ट इंडिकेट द मेनिंजियल, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सेरिब्रल एन्यूरिज्म, दिस इमेज इज शोविंग द सेरिब्रल एन्यूरिज्म, जैसे एवोर्टिक एन्यूरिज्म होते हैं, आउट पाउचिंग एवोर्टा के अंदर फॉर्म होते हैं, उसी तरह से ये ब्रेन के अंदर आउट पाउचिंग हो जाता है और इसे कहते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म। नेक्स्ट, दिस इज द पार्किंसन, पार्किंसन हल्का सा पोजीशन में आगे की तरफ स्वे होना, एंटीरियरली स्वे इन पोजीशन, ऐसे करके एंटीरियर स्वे इन पोजीशन, एंटीरियर स्वे इन द पोजीशन इंडिकेट द पार्किंसन डिजीज, क्या इंडिकेट करता है, पार्किंसन, हैंड्स के अंदर ट्रेम्बलिंग होना, स्वे इन द पोजीशन, इट इज द पार्किंसन। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और कल तक सबका टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप लोग, और जिन बच्चों को वीडियो बहुत अच्छा लगा है प्लीज शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहा है कंटिन्यूसली, उनको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप देखना सीख लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज को ओपन करना सीखिएगा। दोस्तों जो नहीं जान रहे हैं टेस्ट सीरीज ओपन करना, जिनको नहीं आ रहा है उनकी मदद करिए, जिनको आ गया है तो आपस में हेल्प करो। कल भी मैंने कहा था न्यू ईयर में कुछ थोड़ा सा ध्यान रखो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ज्ञान को बांटोगे नहीं ना तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसलिए बेटा मेरे शिष्य होने के नाते मैं आपको सबको यही एडवाइस करूंगा कि ज्ञान को शेयर किया जाए, जितना शेयर करोगे इसकी उतनी ही वृद्धि होगी, शेयर नहीं करने से ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो जिन हमारे साथियों को टेस्ट सीरीज लॉगिन करना नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों, उनको बताओ यार, उनको सिखाइएगा, थोड़ा सा उनकी मदद करिएगा ताकि सब लोगों को ऋषिकेश के अंदर एडवांटेज मिल सके, क्योंकि अगर उनको भी अच्छी पढ़ाई मिल जाती है तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कम से कम वो आपको दुआ जरूर देंगे, एक अच्छी दुआ देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों अच्छे काम करोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा।
और मदद करोगे तो मदद मिलेगी, मदद नहीं करोगे तो मदद कभी नहीं मिलेगी। इसलिए देखो, मेरा तो बहुत बड़ा नेचर है कि मेरे से जितना हो सकता है मैं सबकी मदद करूंगा। और मैं 2012 से ही अपने बॉडी को नर्सिंग प्रोफेशन को डोनेट कर चुका हूँ। तो बस मेरा एक ही इरादा है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जीना है, या तो जीना है या तो वर्क करना है। तो इतने ज़्यादा एक्यूरेसी और इतना खतरनाक जुनून के साथ वर्क करना है कि फिर कब क्या, मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, आई डोंट नो। करना है मिस करना है, या तो जीतेंगे तो बच्चों पढ़ाई भी करनी है, तो ऐसी करिएगा कि जीतोगे तो कप्तान कहलाओगे और हारे तो सलाहकार तो बनोगे ही सही। तो दोस्तों ध्यान रखो, जीते तो कप्तान बनोगे, हारे तो सलाहकार तो बनोगे ही सही। जिंदगी में किसी मुसीबत से नहीं घबराना, मुसीबतें इसलिए आती है आपको इम्प्रूव करने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं। प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है वो आपको सिखाने के लिए आती है, आपको इम्प्रूव करने के लिए आती है, ना कि आपको डराने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी आज की इस लेक्चर की फिनिशिंग करता हूँ। आप सबको शुभरात्रि, धन्यवाद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट।